गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अगेन ऑन चैप्टर सेकेंड. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री. इंडिया जो था उसने अपने आप को फेडरल कंट्री बनाने के लिए अपनी पावर्स को थ्री लिस्ट में डिवाइडेड किया था, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. और सब्जेक्ट विच डू नॉट फॉल्स इन थ्री लिस्ट कम्स इन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट उन तीनों लिस्ट में नहीं आ रहे थे उन्हें हमने काउंट किया था, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट में आते हैं, ठीक है, रेजिड्यू. और जैसे एग्जांपल था कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो अडॉप्टेड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशंस मेक होने के बाद. फिर कुछ स्टेट्स इंडिया की जो हैं वो स्पेशल पावर एंजॉय करती हैं, तो इसमें एक एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर का लेके बताया गया, और बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो उनको रन करती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज देयर हाउ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी चेंज्ड, ठीक है. तो उसने बताया कि चेंज इन पावर, हाउ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी चेंज, हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है, द पार्लियामेंट कैन नॉट अलोन चेंज इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. ठीक है, सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि पार्लियामेंट अलोन कैन नॉट अलोन चेंज इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, कि पार्लियामेंट अकेले पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते. सेकेंड, इफ एनी चेंज रिक्वायर्ड first it passed in both the houses at least two third मेजॉरिटी. थर्ड, देन इट इज रेक्टिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट. तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में हमें कोई चेंजेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट, द पार्लियामेंट कैन नॉट अलोन चेंज इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, पार्लियामेंट अकेले पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में चेंज नहीं कर सकती है. इफ़ एनी चेंज रिक्वायर्ड, फर्स्ट इट पास इन बोथ द हाउसेज एटलीस्ट टू थर्ड मेजॉरिटी, सबसे पहले इसे दोनों हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज में प्रेजेंट पास होगा एटलीस्ट टू थर्ड मेजॉरिटी से. देन इट इज़ रेक्टिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट, और उसके बाद हाफ स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट इसको रेक्टिफाइड करती हैं. तो ये तीन प्रोसेस होते हैं पावर शेयरिंग अरेंजमेंट के. एक तो पार्लियामेंट अलोन चेंज नहीं कर सकती, अगर कोई चेंज करना है तो फर्स्ट इट इज़ पास या प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द लोकसभा, बोथ द हाउसेज दोनों हाउसेज में होगा, टू थर्ड मेजॉरिटी से पास होगा, देन इट इज़ रेक्टिफाइड बाय हाफ ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ जुडिशरी इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. तो जुडिशरी का क्या रोल है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में, तो इसका आंसर है द जुडिशरी
play vital and important इम्पॉर्टेंट रोल कि जुडिशरी जो है वो एक वाइटल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, जुडिशरी प्ले वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. कैसे रोल प्ले करती है? इफ एनी डिस्प्यूट्स arise between, if any dispute about the division of पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन. कि जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट एंड वाइटल रोल प्ले करती है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में. कैसे रोल प्ले करती है? कि अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है डिवीज़न ऑफ पावर शेयरिंग को लेकर, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक डिसीजन. तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन बनाते हैं. नेक्स्ट, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. ठीक है, हाउ फेडरलिज्म फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस इन इंडिया. कि इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस करने के लिए इसने 3 टेस्ट पास किए थे. ठीक है, टेस्ट अगर हम बोलें कि इंडिया ने अपने आप को फेडरलिज्म डिक्लेयर करने के लिए, फेडरलिज्म बनाने के लिए 3 टेस्ट पास किए थे. फर्स्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड था लैंग्वेज पॉलिसी और थर्ड था सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. ठीक है, तो हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस इन इंडिया. इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिसेस करने के लिए इंडिया ने 3 टेस्ट पास किए थे. कौन कितने टेस्ट, हाउ मेनी टेस्ट पास किए थे? 3 टेस्ट पास किए थे. फर्स्ट था लिंग्विस्टिक स्टेट, सेकेंड इज लैंग्वेज पॉलिसी एंड थर्ड वन इज सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन. लिंग्विस्टिक स्टेट का मीन्स द क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सेम लैंग्वेज. अगर आप देखेंगे कि पंजाब में मोस्टली पंजाबी पीपल जो है वहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर लिंग्विस्टिक स्टेट का मीन्स था कि सेम स्पोक पीपल लिव इन अ सेम स्टेट, कि एक ही स्टेट के अंदर सेम स्पीकिंग वाले लोग रहेंगे. तो हम अलग अलग डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट टेस्ट जो था वो क्या था? लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक स्टेट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट एंड मेजर टास्क
of for our country. तो हमारी कंट्री के लिए क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जो था वो फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट था हमारी कंट्री के लिए. तो फर्स्ट इसके अंदर था मैनी ओल्ड स्टेट हैड वैनिश्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. इन 1947 द बाउंड्रीज and names of the state had been changed. In order to create new states. This was done to ensure that people who spoke same language live सेम स्टेट. तो फर्स्ट जो मेजर टेस्ट था उसका इंडिया का, उसने कौन सा फर्स्ट टेस्ट पास किया था? लिंग्विस्टिक स्टेट. अब लिंग्विस्टिक स्टेट अगर हम 1947 का अगर आप मैप देखते हैं तो बहुत सारी स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज की गई, नेम भी चेंज किए गए ताकि एक न्यू स्टेट क्रिएट कर सकें, और बहुत सारी ओल्ड स्टेट्स जो थी वो वैनिश हो गई थी, उनको हटाकर बहुत सारी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट टेस्ट जो पास किया था वो कैसे किया था? फर्स्ट तो हमने बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो वैनिश हो गई थी, न्यू वंस, बहुत सारी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड 1947 के बाद में. बहुत सारी बाउंड्रीज नेम और स्टेट के नेम भी चेंज किए गए थे ताकि वहाँ पर एक न्यू स्टेट्स क्रिएट कर सकें. अब हमारे इसके पीछे मेन रीज़न क्या था कि दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक सेम लैंग्वेज लिव इन द सेम स्टेट. इसके पीछे मेन हमारा जो रीज़न था वो क्या था कि ये इंश्योर करना कि लोग जो सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं वो एक ही स्टेट के अंदर रहें. बट यहाँ पर इसकी यहाँ पर जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं उनके माइंड में एक फियर था कि दिस वुड डिसइंटीग्रेटेड ऑफ आवर कंट्री. उनके माइंड में एक फियर था कि अगर हम क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द लैंग्वेज बेसिस पर अगर हम क्रिएशन करते हैं कि दिस वुड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री. कि ये जो टास्क हमने किया था कि बहुत सारी स्टेट्स को वैनिश कर दिया, बहुत सारी न्यू क्रिएटेड कर ली, बाउंड्रीज चेंज कर दी, इवन न्यू स्टेट्स बनाई गई थी, और इसके पीछे रीज़न ये था कि एक ही स्पीकिंग पीपल, मतलब सेम स्पोक पीपल लिव इन अ सेम स्टेट, एक ही स्टेट में एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले रहे. तो यहाँ पर हमारे जितने भी नेशनल लीडर्स हैं उनके माइंड में एक फियर था, एक डर था कि दिस वुड डिसइंटीग्रेशन ऑफ आवर कंट्री, ये हमारी कंट्री का डिसइंटीग्रेशन कर देगा. बट इसके आउटकम्स अगर हम देखें या रिजल्ट हम देखें तो दिस वुड मोर यूनाइट आवर कंट्री. अगर हम इसके आउटकम्स देखते हैं तो इसने हमारी कंट्री को मोर यूनाइट किया, और ज़्यादा यूनिटी आ गई है लोगों के अंदर. तो इसके रिजल्ट्स जो थे वो क्या आए हैं? काउंटर अपोजिट्स आए हैं. थैंक यू.